भगवान ने कहा कि 14 वर्ष के दुख देने की अपेक्षा 2 दिन का दुख देना अच्छा है। 2 दिन का दुख देकर 14 वर्ष के दुख से बचा ले। यह भवन में जाएंगे दुखी तो होंगे पर आराम से तो रहेंगे, और वन में बड़ी वेदना होगी। तो श्री राम जी करुणा के कारण अवधवासियों को छोड़ गए, और कैकेयी जी ने कठोरता के कारण राम जी को भवन से दूर कर दिया। 2 स्थितियां हुई, एक ने भगवान को दूर किया, एक से भगवान दूर हो गए। लेकिन इन लोगों को भगवान से मिलाने का दायित्व किसका? भरत जी का, क्योंकि कलिकाल तुलसी से सठने, कलिकाल तुलसी से सठनी हटे, राम सनमुख करत को कलिकाल। काल तुलसी से सठनी हटे, राम सनमुख करत को कलिकाल, कलिकाल कलिकाल। भरत जी से गुरुदेव ने कहा, भरत अयोध्या के राज्य पद पर बैठो, तुम्हारे पिता ने आज्ञा दी है, लाय राज पद तुम कह दीना, पिता वचन फुर चाहिए की। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पद पर बिठाया है, पिता की आज्ञा का पालन करो, पुत्र हो राज्य पद पर बैठो। गुरुदेव ने कहा, और यदि यह बैठना तुम्हें मनोनुकूल न लगे तो जब तक श्री राम आवे तब तक बैठे रहो। सोपिहू राज राम के आए, सेवा करे हुसने सुभा, राम जी आ जाए उन्हें सौंप देना राज्य, सेवा करना, पर अभी तो पद पर बैठो। माता भी बोली कौशल्या, पूत पथ्य गुरु आयस वाही, गुरु जी की आज्ञा मान लो। मंत्रियों ने भी कहा कीजिए गुरु आयस अवश्य, पर श्री भरत ने जो उत्तर दिया, गुरुदेव आप लोग जो शिक्षा दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए हितकर है, मैं उसका पालन करूं तो मेरा कल्याण होगा। यह अच्छी तरह समझने के बाद भी मैं यह जानता हूं, क्या यही कि मैं इस पद पर नहीं बैठूंगा। भरत जी कहते गुरुदेव मैं इस पद पर नहीं बैठूंगा, त्याग कर रहे हो पद का? श्री गुरुदेव ने कहा, और अगर पद का त्याग कर रहे हैं तो इतने बड़े त्यागी हो जो अयोध्या जैसे राज्य पद का त्याग कर रहे हैं। बस श्री भरत के बोलने का ढंग, बोलते तो सभी है पर बोलना किसी किसी को आता है। देखो जब कोई व्यक्ति चिल्लाता है जोर जोर से
तो आवाज का उपयोग तो उसमें भी होता है, और जब कोई गाता है तो आवाज तो उसमें भी लगती है। इसलिए चिल्लाना कोई नहीं सुनता, गाना सब सुनते हैं। बोलने का ढंग आवे तो लोग सुने। भगवान के तो बोलने का ही महत्व है, अनेक उनकी विशेषताओं में बोलने का। इसीलिए कहा बैरी राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी विनय मन हरही। यह राम जी का चरित्र है, बोलनी, कैसे बोला जाए, कैसे किससे मिला जाए और किस विनम्रता से व्यवहार किया जाए। व्यक्ति का बोलना ही तो याद रहता है, और वैसे ही मिलना, बोलना वाणी से होता है, मिलना मन से होता है। वैसे तो मोर बहुत मधुर बोलती, मयूर पक्षी बहुत मधुर बोलता है, बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, लेकिन दशा क्या है, खाई महा आही हृदय कठोरा, सांप को खा जाए आहार ऐसा, वाणी ऐसी। बोलन मिलन विनय, श्री भरत जी के बोलने का ढंग है बस। गुरुदेव की बात नहीं माननी थी, लेकिन गुरुदेव का अपमान नहीं किया, इसीलिए श्री भरत जी के लिए कहा गया गुरु अवमान दोष नहीं दूसरा। गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। श्री भरत ने यानी कहा कि आप गुरु जी हो सो ठीक है, सब बात मानेंगे, लेकिन ये मत नहीं मानेंगे दोबारा मत कहना, क्षमा करें हम साफ साफ कह रहे हैं, फिर आपको बुरा लगे। पर श्री भरत ऐसा नहीं कहते। भरत जी कहते हैं तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल हो, यद्यपि यह समझत हूं नीके, तदपि होत परितोष न जीके। आपने जो उपदेश दिया उसका पालन करने से मेरा भला होगा, यह मैं अच्छी तरह समझता हूं, तो भी मन को संतुष्टि नहीं हो रही है। एक काम करें क्या, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी व्यथा सुन। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। अच्छा बोलो, आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरुनाई। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सबके सामने गुरुदेव अपनी मन की व्यथा आपसे कह रहा, मैं पद का त्यागी नहीं हूं, मैं तो पद का लोभी हूं। गुरुदेव बोले लोभी आदमी तो पद नहीं छोड़ता, त्यागी लोग पद छोड़ते। तुम पद का त्याग भी कर रहे हो और अपने को लोभी भी कह रहे हो, यह क्या बात हुई। श्री भरत ने कहा गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ता है। कब किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। गुरुदेव बोले तो अयोध्या के राज्य पद से भी कोई पद बड़ा है। हां गुरुदेव, कौन सा। आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी न जा। गुरुदेव आप राम जी के पद पर मुझे बिठाना चाहते हैं, मैं राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता हूं। अयोध्या का राज्य पद है एक,
और राम जी के पद कमल हैं दो, और गुरुदेव जिसे दो दो पद मिल रहे हो वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लिवलाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम राम भज मन राम राम भज मन राम। राम भज मन राम भज मन राम भज मन राम भज मन देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए। संतों का भक्तों का यही अनुभव है, गुरुजनों का यही अनुभव है। मन चाहता है सच्ची शांति, पर मिथ्या साधनों से कैसे देखे। देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए। भक्तिमती माता मीरा भी यही कहती हैं, बिरह की मारी बन बन डोलू बैद मिला नहीं को, पर पीड़ा मिटेगी कैसे। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद समझिया हो, ये रे मेरो दर्द न जाने को, हेरी में प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। मीरा की मीरा की मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद सवरिया हो, रे मेरो दर्द न जाने को, रे मेरो दर्द न जाने दर्द न जाने रे दर्द न जाने।
भरत जी भी कहते देखे मिनु रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए। यह हमारे मन का जो दुख है ये भगवान को पाए बिना नहीं मिट सकता, किसी भी साधन से नहीं मिटेगा। गुरुदेव ने कहा कि भरत मैं जो कह रहा हूं वह ठीक नहीं लग रहा है क्या? भरत जी कहते गुरुदेव मैं तो वही कह रहा हूं जो आपने कहा था। मैंने क्या कहा था? भरत जी बोले गुरुजी आपने महाराज दशरथ मेरे पूज्य पिताजी से कहा था कि अयोध्या नरेश जानते हो तुम्हारे घर में पुत्र बनकर कौन आया है? कौन? सुन नृप जासु विमुख पछिताही। हे राजन जिसके विमुख होने से जीव पछताता है और जासु भजन बिनु जरनी न जाही, जिनके भजन के बिना हृदय का दुख नहीं मिटता। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी। गुरुदेव आपने कहा था? हाँ कहा तो था। बोले आपने तब कहा था, हम आज कह रहे हैं। आपने कहा था जासु भजन बिनु जरनी न जाही और हम कह रहे हैं देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाए। तब गुरुदेव वाणी तो आपकी ही है और कैसी विनम्रता कि भले ही किसी के मुख से निकले पर ज्ञान तो गुरुजनों का ही है, गुरुदेव का ही है, आपका ही है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। अच्छा वत्स एक बात बताओ, क्या मैं अगर तुम्हें पद पर बिठाऊं आज्ञा देकर तो क्या बैठोगे? नहीं। भरत जी बोले बैठ तो जाऊंगा लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होगा। मोहि राज हठि मोहि राज हठि देहु जब ही रसा रसा तर जाई तब ही रसा 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 तर जाई तब ही वो राज हठ देहु जब ही राज मोहि राज मोहि राज मोहि राज मोहि राज। मुझे अगर जबरदस्ती आप राज्य पद पर बिठाएंगे तो यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव बोले भरत यह तर्क मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस पृथ्वी पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। श्री भरत ने जो उत्तर दिया बड़ा अद्भुत उत्तर है। भरत जी कहते हैं गुरुदेव हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती क्योंकि पृथ्वी माता जानती है राक्षस है। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार भी पृथ्वी माता सहन कर लेती है क्योंकि जानती है राक्षस है। लेकिन गुरुदेव हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी।
और इसीलिए श्री भरत जी के लिए कहा गया भरत भूमि रह राउरी राखी। भूमि तो भरत जी के रखने से रही है। आज के वातावरण में श्री भरत जी के चरित्र का चिंतन करना चाहिए। सुग्रीव जी ने कहा कि हमारी तो इच्छा थी नहीं, बाली मर गया था, सिंहासन खाली था, लोगों ने जबरदस्ती मुझे बिठा दिया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई दीने मोहि राज बरियाई। जबरदस्ती अब सबने बिठाया तो जनादेश था, मैं कैसे टालता, बैठ गया। श्री लक्ष्मण जी को हंसी लगी, मुस्कुरा कर रह गए। राम जी ने कहा क्या बात है लक्ष्मण, क्यों हंस रहे? बोले इनकी बात पे हंसी आ रही है, ये कह रहे कि हमारी तो इच्छा थी नहीं, हम लोगों ने बिठाया था, क्या करते। भगवान ने कहा हो सकता है ऐसी परिस्थिति रही हो, अरे प्रभु आप भी कैसी बात करते हैं, ये जितने सत्ता लोलुभ होते हैं ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी तो इच्छा नहीं, हम लोगों ने बिठाया। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हमेशा संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए किसी के वचन पर, हो सकता है। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु अगर जबरदस्ती कोई किसी को सिंहासन पर पद पर बिठा पाता तो भरत भैया को न बिठा दिया, अयोध्या की पूरी प्रजा गुरुदेव सारा समाज लगा रहा, लेकिन भरत भैया को पद पर कोई नहीं बिठा सका। क्यों? क्योंकि उनके मन में पद की वासना नहीं थी, आपके पद कमलों की उपासना थी, इसलिए उन्हें कोई नहीं बिठा सका। और इसी भूमि पर भरत ऐसे महात्मा हुए हैं जो कहते हैं गुरुदेव अगर हमें पद पर बिठा दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। और आज के युग में हमारे जैसा आदमी कहता है कि अगर देश को रसातल में जाने से बचाना है तो हमें पद पर बिठाओ, हमें पद पर नहीं बिठाओगे तो देश रसातल को चला जाएगा। और भरत जी कहते हैं कि हमें बिठाओगे तो पृथ्वी रसातल को जाएगी। इसलिए भरत भरत समझान, भरत जी जैसे तो भरत जी हैं, उन जैसा कोई नहीं। गुरुदेव ने कहा अच्छा और कुछ कहना है? भरत जी बोले प्रभु एक बात कहूं क्या? बोले किसी का समय खराब हो, बुरे दिन आ गए हो, ग्रह प्रतिकूल हो और फिर वो पागल हो जाए, तो एक तो समय खराब और फिर दिमाग खराब, और अक्सर होता ही साथ ही साथ जिनका समय खराब होता है उनका दिमाग खराब जरूर होता है। इस समय खराब में काम ही वैसे ही करते हैं, क्योंकि काल दंड गह काहू न मारा हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। इस समय डंडा लेकर थोड़ा ही मारता है किसी को, धर्म का हरण कर लेता है, बुद्धि बल का हरण कर लेता है, विचार का हरण कर लेता है। तो ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, समय खराब हो और दिमाग खराब हो, पगला गया हो और उसे बिच्छू काट ले, ते ही पुनि बीछी मार। और फिर ऐसे आदमी को मदिरा पिलाई जाए, ते ही पियाई बारुनी, फिर उसे वैद्य के पास ले जाए, इसका उपचार करो, कहऊ का उपचार। ग्रह ग्रही ग्रह ग्रहित पूर्णिमा बस, ग्रह ग्रहित पूर्णिमा ते ही पुनि बीछी मार, ग्रह ग्रहित पुनि बार।
बारुनी कहूं पुचार ग्रह ग्रही पूनी बात पूनी बात पूनी बात गृह गृहीत पूनी बात बात पूनी बात बात पूनी बात भरत जी ने ऐसी अनोखी बात कही कि इस दोहे में पूरा अयोध्या में घटित कांड चित्रित हो गया। अयोध्या में बुरे ग्रह लगे हैं, समय खराब। अच्छा ग्रह कौन? हरसि हृदय सरस्वती जी जवाई, तब श्री तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? हरसि हृदय हरसि हृदय दशरथपुर आई हरसि हरसि हृदय जनुगृह जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई हरसि हृदय सरस्वती जी आई, उनका आना कैसा लगा का जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई, दुसह दुख देने वाली ग्रह दशा आ गई। और आगे तो ग्रह का नाम भी ले दिया, अवध साढ़ साती तब बोली साढ़ साती ये ग्रह ग्रही बात बस पगला जाना। यह क्या है? महाराज दशरथ का मरण, कौशलपति गति सुन जन कौरा भासव लोक शोक बस बौरा बौरा महाराज दशरथ के देहावसान का दुखद समाचार ऐसा हुआ कि सब पागल हो गए। ये ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस ते ही पुनि बीछी मार, और ये बीछी मारना क्या है? श्री राम जी का वनगमन, नगर व्यापी गई बात सुतीछी छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े तपसी का भेष धर भगवान चल पड़े तपसी का भेष धर
तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। देखा पिता ने आंसू निकल पड़े। भगवान चल पड़े तपसी का भेष धर। रथ में बिठा के राम को चल तो दिए सुम रोश में घोड़े बदल पड़े। खींची जो रास रोश में घोड़े मचल पड़े। तपसी का भेष धर भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर भगवान चल पड़े। ऐसे लगा अयोध्या की नगरी को जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। नगर व्याप गई बात सुतीछी छुअत चढ़ी जनु सबतन बीछी। लेकिन आप कहेंगे इसमें क्रम विपर्य हो गया। दशरथ जी का मरण बाद में, राम जी का वनगमन पहले, पर बात बस पहले और बीछी मार बाद में। इसका उत्तर यह है कि श्री भरत बोल रहे हैं। अब भरत जी को राम जी के वनगमन का समाचार बाद में मिला, पिताजी के मरण का समाचार पहले मिला है। अब बारूनी क्या ते ही पियाई है बारूनी। गोस्वामी जी कह दें सब थे कठिन राज मद भाई। राज्य पद का मद पद लिखो प और द पद, यहां तक कोई कठिनाई नहीं। प बिल्कुल सीधा, उसकी तरफ मुड़ा है। जिसका डंडा लगा है उसकी तरफ मुड़ा है, तो यहां तक कोई कठिनाई नहीं। लेकिन पा को अगर मां बनाओ तो पा उधर नहीं, फिर मां इधर मुड़ता। तो जब पद उधर बना रहे तो कोई हर्ज नहीं। हम प्रभु के सेवक हैं, प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, सेवा कर रहे हैं, पद से कोई हानि नहीं। लेकिन पद जब मद बनकर इधर मुड़ता, एक गांठ लगती है इधर से मद। सबते कठिन राज मद भाई। पद बुरा नहीं है, पद का मद बुरा है। संसार में बसना बुरा नहीं है, फंसना बुरा है। गृहस्थ होना बुरा नहीं है, गृहस्थ तो होना बुरा है। अरे नाव तो सड़क पर चलेगी नहीं, नदी में ही चलेगी, बनी ही नदी के लिए। नाव बनी ही नदी के लिए है, पर नाव तो पानी में चले, पर पानी नाव में न चले। इसी तरह हम लोग तो बने ही जगत के लिए। ये शरीर की नाव है, जगत के जल के लिए है, पर जल में रहकर ही जल से पार ले जाती है नाव। तो अपने जीवन को ऐसी नाव हम बना लें जो जगत में रहकर जगत से पार ले जाए। पद रहे मद न रहे, ज्ञान रहे गुमान न रहे।
पर श्री भरत कहते हैं कि मद मदोन मत को फिर ले जाओ वैद्य जी के पास, काहे काहे का इलाज हो। गुरु जी बोले हम समझ गए, अब बोलो भरत तुम क्या चाहते हो। एक ही आंख यह मनवाई, एक मनवाई एक प्रात काल, प्रात 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 काल चलियाऊ एक ही आंख, एक एक ही आंख, एक एक ही आंख, एक ही इच्छा। प्रात काल चलियो प्रभु पाही, सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चले। कितनी बढ़िया बात है, सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे प्रातः काल। इसका अर्थ है कि जब कोई भगवान की ओर चले तभी जीवन का सवेरा है, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है। सवेरा होने पर चले, सूर्योदय हो ज्ञानोदय हो तभी जीव भगवान की ओर चलता है। प्रात काल चली हूं प्रभु, सवेरे सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे, यही निर्णय होगा। अब भरत जी ने जो यह फैसला किया, चलेऊं प्रात लख निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। भरत जी सबको प्राण प्रिय लगने लगे। कोई भगवान की ओर बढ़कर तो देखो, भगवान से जिनका प्रेम है वो सबको प्रिय लगते हैं। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए, तुम हमारे गए और हम तुम्हारे हो गए। सुंदर अब तो हम श्याम सुंदर अब, श्याम सुंदर
अब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों हो गए अब ये दिल तुमको दिया अब ये दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे हो गए श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए श्याम सुंदर अब चले प्रात लख निर्णव नी के भरत प्राण प्रिय भे सब ही के सब को भरत जी अच्छे लगने लगते हैं लेकिन एक दूसरी कठिनाई शुरू हुई घर में रहने को कोई तैयार नहीं भगवान से मिलने सभी चलेंगे सब दर्शन के लिए चलेंगे वृद्धों ने समझाया युवकों को कि सब चलोगे तो यहां कौन रहेगा ये घर मकान दुकान कौन देखेगा युवक बोले आग लगा दो ताकि लौटने का भी झंझट न रहे जरऊ सुसंपति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाय सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस सहाय वृद्ध बोले नहीं यह तरीका ठीक नहीं युवक बोले यही ठीक अच्छा मुझे लगता है भक्त भी दो तरह के होते हैं होश वाले और जोश वाले होश की भक्ति अलग है जोश की भक्ति अलग है वृद्ध कह रहे हैं कि भगवान से मिलने तो चलो पर यहां की व्यवस्था देखो फिर वहां चलना युवक कहते हैं हमें वहीं से मतलब है यहां से कोई मतलब नहीं तो वृद्धों का जो अनुभव बोल रहा है ये जोश में कौन है का जोश में वो है जिन्हें ये लगता है कि भगवान वहां है यहां नहीं है और वे यह भी कहते हैं कि भगवान सब जगह है पर यहां नहीं वृद्ध कह रहे अनुभवी पुरुष कह रहे अरे जिसे तुम ढूंढने वहां जा रहे हो वो यहां भी है कहो सो कहां जहां प्रभु नाही जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है और न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है पतित बंधु जी का पता ढूंढता है वृद्ध कहते हैं कि वहां नहीं यहां भी है अब यह देख लो कि वहां जाने की भूमिका किसकी है यहां रहने की भूमिका किसकी है पर भगवान यहां भी है और वहां भी है हर देश में तू हर भेष में तू तेरे रूप अनेक तू एक ही है हर तेरे रूप अनेक तू एक ही है तेरे रूप जग भूखा कोई नहीं
सबकी कठरी लाल गांठ खोल जाने नहीं याते भयो कंगा हर भेष में तू हर देश में तू तेरे रूप अनेक तू एक ही है तेरे रूप घट घट साई रमी रहा सुनी सेज न कोय बलिहारी वां सेज की जा घट प्रगट होय तेरे रूप अनेक तू एक है को पतियां लिखूं जो कहूं हो ए विदेश तन में मन में प्राण में तासों कौन संदेश तेरे रूप अनेक तू एक ही है तेरे रूप युवकों में वृद्धों में मतभेद हो गया जोश वाले होश वालों में मतभेद होता ही है पर सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया सदगुरु के रूप में श्री भरत वृद्धों ने भी कहा क्या सभी का चलना उचित है वहां यहां कोई ना रहे युवकों ने कहा सभी को छोड़कर भगवान की ओर चलना क्या अनुचित है श्री भरत ने दोनों की बात सुनी भरत जी ने कहा कि मैं वृद्धों से सहमत हूं यहां की व्यवस्था पहले भगवान के दर्शन के लिए बात चली युवक जो जोश में थे तो कहा कि भगवान के लिए आप इतना भी नहीं छोड़ सकते फिर कहे कि भक्तों श्री भरत जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं छोड़ सकता और छोड़ भी देता लेकिन अयोध्या की संपत्ति मेरी होती तो त्याग देता व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का तो त्याग करता है मेरी है ही नहीं तब फिर राजा बनकर बैठ जाओ श्री भरत ने कहा उसमें भी वही कठिनाई है संपत्ति मेरी होती तो राजा बन जाता व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का स्वामी होता है अपनी ही संपत्ति का त्यागी होता है संपत्ति मेरी है ही नहीं तो न मैं स्वामी हूं न त्यागी हूं दोनों अभिमान से मुक्त हूं मालिक होने का अभिमान नहीं है त्यागी होने का अभिमान नहीं है क्यों क्योंकि संपत्ति सब रघुपति के आही सारी संपदा श्री राम जी की है अच्छा बोलो जब यह स्वीकार कर लेता मन की सब कुछ भगवान का है तो कहां मालिक होने का अभिमान कहां त्यागी होने का अभिमान न जग छोड़ो न हरि भूलो कर्म कर जिंदगानी में रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में ये मेरा मानना छूट जाए बस कह तो सके हम तन मन धन सब तेरा हृदय से कह ले प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे तेरा दादू साहब
जैसे महापुरुष कहते हैं, तन भी तेरा धन भी तेरा तेरा पिंड पिरान। भगवान ने कहा जब सब कुछ मुझे दे दिया तो तुम्हारा क्या बचा। श्री दादू साहब कहते हैं सुनो प्रभु, तन भी तेरा धन भी तेरा तेरा पिंड पिरान। सब कुछ तेरा लेकिन एक तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। और दादू साहब के सुर में सुर मिला के हम लोग कहते हैं, सब कुछ तेरा एक तू है मेरा, यह साधु का ज्ञान। माता मीरा कहती है, जोगी आया जोग करन को तप करने सन्यासी, जोगी आया जोग करन को तप करने सन्यासी। राम भजन को साधु आया, राम भजन को साधु आया, वृंदावन का वासी चाकर राखोजी, श्याम माने चाकर राखोजी। चाकर चाकर रहसु बाग रखासु, नितुठ दर्शन पासु, वृंदावन की कुंज गलिन में थाकी लीला गासु, थारी लीला गासु चाकर रखो, श्याम मने चाकर रखो। चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, चाकर राखो। इसलिए मेरा है ही नहीं। भरत जी कह दे ना मालिक बनो ना त्यागी बनो। युवक बोले अगर छोड़कर चले तो हम लोग भक्त नहीं। भरत जी बोले अपराधी माने जाओगे। कैसे? जैसे कोई किसी मकान में रहता हो उसमें आग लगा दे झोपड़ी में, क्यों फूंक रहे हो? आई मौज कबीर की दिया झोपड़ा फूंक, तो लोग कहेंगे बड़ा त्यागी है, रहने की झोपड़ी भी फूंक दी, चलो त्यागी मान ले लो। लेकिन वही आदमी किसी के मकान में किराए का कमरा लेकर रहता और उसमें आग लगा दे, क्या करे? उड़बत त्याग उमड़ रहा है, वैराग उमड़ रहा है। अरे त्याग नहीं, अपराध है, क्योंकि आप उसका त्याग कर रहे हैं जो आपका है ही नहीं। अच्छा देखो, जो आप उसके मालिक बन रहे हैं जो आपका नहीं है, और आप उसके त्यागी बन रहे हैं जो आपका नहीं है। और जिस दिन यह पता लग जाता है कि मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है, उसी दिन समझ लो कि जीवन में सवेरा हो गया। और जब तक अपना मानते रहे तब तक अंधेरा ही रहा, क्योंकि मोह निशा सब सोवनि हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा,
यही जग जामिन जागहिं योगी परमारथी प्रपंच वियोगी। और ये रात्रि क्या है, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तो श्री भरत जी कहते हैं एक ही निर्णय है, सबको लेकर चलेंगे भगवान के पास और सबको भगवान से मिलाया। कुछ लोगों को अयोध्या में छोड़ा, बाकी लोगों को लेकर गए। अरे और तो और कैकई माता जिन्होंने अपने भवन से भगवान को दूर कर दिया था, उन्हें भी भगवान से जोड़ने का काम श्री भरत जी ने किया। क्योंकि गुरुदेव का काम ही है विमुख जीवों को भगवान के सन्मुख करके, शरणागत करके उनसे मिला देना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं इतनों को मिलाया और इसीलिए मुझे भी भरोसा हुआ, मैं जब गया तो मुझे भी मिला दिया। कलिकार तुलसी से सठनी हठ राम सनमुख करत। उस पद्य का एक बार फिर उच्चारण करते हुए विराम। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम न भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम न भरत को। सिय राम मुनि मन अगम जमनियम समदम विषम व्रत आचरत को। सिय राम दुख दाह दारिद दंभ दूषर सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सनमुख करत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम भरत को। सिय राम जय जय सिय राम जय जय सिय राम। वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए विराम। बड़े प्रेम से ले प्रभु का पावन नाम। सीताराम राम राम सीता राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम। सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज।
गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।